हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल अनपन इंडिया में। और आज मैं आप लोग के सामने नवरात्र के टाइम में आई हूँ। सॉरी, मैं 2-3 महीने से नहीं एक्टिव थी अपने चैनल पे। आप समझ सकते हो कि क्यों मैंने एक्टिव थी। मेरी ना मेरा बेबी अभी छोटा है, तो मैंने बताया ही, मेरा बेबी अभी 22 मंथ का होने वाला है, तो उसकी तबीयत 2-3 मंथ से प्रॉब्लम चली थी। उसे डायरिया हो गया, फिर उसके बाद कान में इशू हो गया, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ छोटे बच्चों में लगा रहता है, मदर परेशान रहती हैं। तो मैं अभी कोई वीडियोस न्यू नहीं बनाई, पर हाँ, आज मैं बहुत दिनों के बाद, अभी मेरा बेबी थोड़ा रिकवरी में अच्छे में चल रहा है, इसलिए मैं सोची कि नवरात्र के टाइम में फिर से आप लोगों को एक वीडियोज़ हेल्प करूँ। और चलो, हैप्पी नवरात्र। और बिना टाइम बर्बाद के मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं बेबी को कौन से फार्मूला मिल्क दिया जाए, उससे रिलेटेड जितने भी टिप्स होंगे, प्लस कौन सा बेस्ट होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी फार्मूला मिल्क ये क्यों देते हैं, कितने अमाउंट देना चाहिए, और उससे रिलेटेड चलिए मैं आप वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि फार्मूला मिल्क क्यों देते हैं बेबी को। हाँ, कितनी मदर्स होती हैं जिन्हें मिल्क नहीं होता है मदर मिल्क, तो वो फार्मूला मिल्क ट्राई करती हैं। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि काऊ मिल्क किसी किसी बच्चों में प्रॉब्लम करती है। तो मैं बताऊंगी कि प्रैक्टिकली मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। मैंने फ़र्स्ट टाइम, मैं फ़िलहाल यहाँ पे, मैंने एक बार काऊ मिल्क ट्राई किया था जब वो मेरा बेबी 1 ईयर का हो गया था। 6 मंथ तो आपको देना ही नहीं चाहिए फार्मूला मिल्क। हाँ, अगर जिन मदर को नहीं हो रहा फार्मूला मिल्क, तो वो ट्राई कर सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, फार्मूला मिल्क मेनली क्यों देते हैं? बच्चों के ग्रोथ के लिए देते हैं। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एज ए कंपैरिजन काऊ मिल्क के तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। काऊ मिल्क तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों में एलर्जी हो जाती है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को डायरिया का शिकायत होता है। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और इसलिए फार्मूला मिल्क यूज़ करना चाहिए। पर ज़्यादातर बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम पाया जाता है कि फार्मूला मिल्क अगर ना दे, काऊ मिल्क यूज़ करें, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आप ट्राई करना, किसी किसी बच्चों को सूट कर जाते हैं। पर मेरा बेबी को जब मैंने 1 ईयर का कम्प्लीट हो गया था, तो मैं फार्मूला मिल्क 8 मंथ के बाद ट्राई करना कोशिश की थी, पर मेरा बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर ज़्यादातर बच्चे होते हैं ना 1 ईयर के बाद ही, मतलब मेरा बेबी तो 1 ईयर के बाद एक्सेप्ट किया फार्मूला मिल्क, क्योंकि मैंने 6 मंथ तक तो मदर मिल्क, आप समझ सकते हो, सबसे बेस्ट होता है। फार्मूला मिल्क कोई इसकी बराबरी नहीं ले सकता है, काऊ मिल्क तो बहुत दूर की बात है। तो केमिकली फार्मूला मिल्क ऐसा बनाया जाता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं, और जो मदर मिल्क के कंपैरिजन में आप, मतलब, उसे दे सकते हो। पर हाँ, काऊ मिल्क मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि काऊ मिल्क से मेरा बेबी भी बीमार पड़ गया था। और मैं 8 मंथ के बाद ट्राई किया था, तो फर्स्ट टाइम उसे, मतलब, डायरिया हो गया था। मैंने फर्स्ट डे ही बस दिया था, दूसरे दिन उसे लूज मोशन स्टार्ट हुआ, फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उसे डायरिया का, मतलब, शिकायत हो गया। और मेरा बेबी बहुत परेशान हुआ था, इतना लूज मोशन, मतलब बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है, फिर प्लस बच्चे इतने छोटे होते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बच्चे अगर वॉमिट करने लगे, अगर पॉटी में ब्लड आ जाए, तो ये सब मदर के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। तो आप समझ सकते हो कि काऊ मिल्क कितने डेंजरस होते हैं। पर हाँ, अगर आप, मतलब, बहुत प्योर विलेज में रह रहे हो, जहाँ बहुत अच्छा प्योर आपके सामने काऊ मिल्क दिया जा रहा है, तो फिर आप, चलो, ट्राई कर सकते हो। पर मैंने भी ट्राई किया था, मैं अभी फ़िलहाल जहाँ हूँ, पर वहाँ पे काऊ मिल्क मुझे लगा कि वो प्योर होंगे, तो मैंने भी ट्राई किया था, पर वो नहीं सही निकला। आप समझ सकते हो कि आजकल लोग गाय तो पालते, पर उसमें केमिकल क्या इंजेक्शन देते हैं, क्या 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 क्या, उनका डाइट अच्छा नहीं होता, वो प्लास्टिक तक खाते हैं, तो आप समझते हो बच्चे को कितना नुकसान पहुँचा। पर हाँ, उसके पीछे और एक रीज़न है कि डॉक्टर्स जो बोलते हैं फार्मूला मिल्क क्यों देते हैं, क्योंकि जो दूध में, जो आजकल काऊ मिल्क में कुछ ऐसा पाया जाता है जो बच्चों के लिए, 90% बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों का डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, तो इसलिए आप क्या करो कि 2 साल के बाद आप काऊ मिल्क ट्राई करो, क्योंकि उस वक्त बेबी का इंटरनल ऑर्गन्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं इजिली। तो इसलिए आप काऊ मिल्क, तो हम लोग ने भी वही किया, फार्मूला मिल्क 2 साल के तक, अभी तक तो 22 मंथ मैंने कंटिन्यू अभी कर ही रही हूँ, और 2 मंथ है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि अब मैं, पर हाँ, पैकेट वाला दूध आप ट्राई करना। काऊ मिल्क तो मैं अभी भी नहीं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये पैकेट वाला दूध को थोड़ा सा वो लोग प्योरीफाई करते हैं, तब उसके बाद वो मार्केट में आता है। और पर्सनली तो चलो मैं दोस्तों बता दूँ कि कौन सा फार्मूला मिल्क बेस्ट होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं मार्केट में मैंने लैक्टोजन ट्राई किया। लैक्टोजन
मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने फिर सिमिलेक, मैंने हर जगह मैंने भी रिसर्च किया, मतलब जो भी किया मैंने भी देखा कि हाँ सिमिलेक टू एडवांस से बहुत अच्छा होता है। पर ठीक है, ये सारे कुछ इसमें अच्छे हैं, नो डाउट, ये नंबर वन रैंकिंग रखा हुआ है जो भी है, पर इसका डिमेरिट मैं बता दूँ दोस्तों, इसके अंदर जो टेस्ट होता है ना वो मदर मिल्क कि जैसा टेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इसे। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है ना कि आप खुद एक बार पी के देखना, और जो मदर होंगी अपने मिल्क को भी थोड़ा ट्राई, तो बहुत डिफरेंस आता है। इसलिए बच्चे क्या होते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मेरा अभी भी तो नहीं एक्सेप्ट किया, मैं नहीं जानती कि दूसरे बच्चे कैसे एक्सेप्ट करते, पर मैं समझ सकती हूँ कि इस आप इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल ना कोई बच्चे छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चों को ना मदर मिल्क का स्मेल मतलब दूर से ही वो लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा मदर मिल्क है। अगर उनके अगर आप ये ट्राई भी करोगे, अब मदर मिल्क नहीं कहीं उनको अलग टाइप का टेस्ट, तो एकदम नहीं, मैं 1 वीक ट्राई करती रहेगी, ये मेरा बीबी लिया ही नहीं, मैं बहुत परेशान जब मैं करूँ। पर हाँ, फिर मैंने जब ये नहीं मतलब मैंने ट्राई किया, ये नहीं एक्सेप्ट किया, तो इसलिए मैं सिमिलेक, ये अच्छा है, मैं इस कंपनी का ये कोई ब्रांड ये सब नहीं करूँ एडवर्टाइज, पर हाँ मेरा बेबी नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि उसका एक रीज़न, इसके अंदर बहुत स्ट्रांग स्मेल है। जो बच्चों को मदर मिल्क की हैबिट होती है ना, वो जल्दी से इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मदर मिल्क में कोई स्मेल नहीं होता है। आप मदर मिल्क बहुत हल्का और बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है जो बच्चे डाइजेस्ट कर पाते हैं, पर ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल बच्चे नहीं एक्सेप्ट करते, तो इसलिए मैं इसको नहीं प्रेफर करती हूँ। फिर मैंने दोस्तों लैक्टोजन ट्राई किया, लैक्टोजन मेरा बेबी पी लिया, पर बात है कि मार्केट में उसकी रिव्यू मतलब नॉर्मल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स के लेवल जो इन सारे फार्मूला मिल्क में होते हैं तो उसमें थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने लैक्टोजन को स्किप कर दिया। पर हाँ, वो मेरा बच्चा एक्सेप्ट कर लिया था। पर हाँ, मैं बता दूँ दोस्तों, मेरा बेबी 1 ईयर के बाद, ज़्यादातर मुझे लगता है कि बच्चे 1 ईयर के बाद बहुत ईजिली फार्मूला मिल्क एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी माँ लोगों को ना टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं बहुत टेंशन ले लेती थी कि मेरा बेबी क्यों नहीं फार्मूला मिल्क एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद तो मदर मिल्क कम हो जाते हैं, तो बेबी को कैल्शियम की कमी, न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन की कमी, समझते कि मिल्क में बहुत सारे विटामिन प्रोटीन सब होते हैं, तो मुझे टेंशन लगा कि अगर मेरा मिल्क अगर कम हो गया और मैं बेबी को मतलब कंप्लीट विटामिन ना मिले, मतलब कहते हैं कि 1 ईयर तक के बेबी को 720 मतलब ML मिल्क देना चाहिए। पर हाँ, एक बार और बता दूँ दोस्तों, बच्चे उतने एक्सेप्ट नहीं करते हैं शुरू शुरू में, बेबी उन्हें आप थोड़े से अमाउंट में ट्राई करो, 150 ML पी लें, वो भी शुरू में तो आप 30 ML, 60 ML, 50 ML ऐसे मैं ट्राई करती थी, तब जाके मेरा बेबी धीरे धीरे उसका टेस्ट का हैबिट लिया। ये नहीं कि अचानक से आप सोचोगे कि टू, क्योंकि इसमें सारे में लिखे रहते हैं कि 210 ML आपको 1 डाइट में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, बच्चे 210 ML नहीं लेते हैं हमेशा, उसमें 30 ML तो छोड़ते हैं। तो हाँ, वो भी कब लेंगे, जब वो पूरी तरह से वो एक्सेप्ट करने लगते हैं 210 ML, वो भी जब भूख बहुत लगती है। ज़्यादातर बच्चे 120 ML भी पी ले तो बहुत काफ़ी, तो इसलिए छोटे छोटे मिल करके हम लोग 720 ML देना है। तो अगर जितना बच्चे पी सके, 500 ML मतलब हाफ लीटर के आसपास, मतलब आप कम अमाउंट दोस्तों ट्राई करना, मेरे कहने का बस मीनिंग है कि अमाउंट आप जब भी बच्चे को स्टार्ट करो तो पहले 30 ML, फिर 60 ML, फिर 80 ML, फिर 90 ML, तो इस तरीके से आप उनको हाँ जितने बार दे सको, जब बच्चा को भूख लगे आप ट्राई करो, डाइट पर रहना चाहिए सॉलिड जब स्टार्ट करो, उसके बाद आप ये मिल्क किया करो। तो अमाउंट मैंने बता दिया दोस्तों, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, मैं भी बहुत टेंशन लेती थी कि 720 ML तो ले नहीं रहा मेरा बच्चा, उसे प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और मेरा मिल्क तो होता ही था, तब भी मैं सोचती थी कि और अच्छे ग्रोथ के लिए भी ट्राई करूँ, इतना अमाउंट दे ट्राई करूँ, तो इसीलिए इन पर जो लिखा रहता है आप पढ़ लेना दोस्तों, सारे प्रोसेस इस पर लिखे रहते हैं, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि 210 ML हाँ, बोतल जो स्टरलाइज होना चाहिए, अच्छे से बॉयल होना चाहिए, जो वाटर होता है वो हल्का वार्म वाटर होना चाहिए, जो बच्चे क्योंकि मदर मिल्क बहुत कोल्ड टाइप का होता है, वो ज़्यादा वार्म होता ही नहीं है, तो बच्चे इसलिए ज़्यादा वार्म नहीं पी पाते। पर हाँ, धीरे धीरे जब हैबिट होती है ना तो थोड़ा सा वार्म ज़्यादा पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें टेस्ट में अच्छा लगता है, एकदम ठंडा उन्हें पीना अच्छा नहीं लगता, तो ये भी होता है। अमाउंट मैंने बता दिया कि थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना, जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाए वो जब एक्सेप्ट करने लगे तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते जाना। और चलो दोस्तों, अब मैं बता दूँ कि मैं कौन सा दोस्त अभी भी वो फार्मूला मिल्क यूज कर रही हूँ, ये हुआ दोस्तों 9 Pro, ये हाँ ये लेवल है एडवांस 4,
तो मैं दोस्तों बता दूं कि हर स्टेज 6 मंथ के बाद, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, आप देखना 1, 2, 3, 4 ऐसे मार्केट में आएंगे। तो आप जब 6 मंथ के बाद स्टार्ट करते हो तो 1 स्टार्टिंग लेवल, 2nd, 3rd, आप समझ जाना, लेवल वाइज होते हैं। आप पढ़ लेना, इसमें सारे डिटेल्स हुए हैं कि फर्स्ट स्टेज में आप 1 नंबर वाले लोगे, सेकेंड स्टेज में आप मतलब 1 ईयर कम्प्लीट हो जाए तो 2nd नंबर वाले लोगे, 3rd में आप 3rd नंबर वाले, मतलब अब मेरा बेबी 2 ईयर के करीब होने जा रहा है, तो इसलिए 4 वाला मैं अभी यूज कर रही हूँ। तो इसके पीछे मैं बता दूँ कि इसकी इसको मैं क्यों सबसे बेस्ट कह रही हूँ। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसके कुछ वीक पॉइंट भी हैं और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हैं। और सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है सर कि दोस्तों ये सिमिलैक, और ये इसके टेस्ट बहुत बेकार, मतलब क्या बोले, बहुत मतलब बड़े को नहीं अच्छा, तो छोटे बच्चे क्या एक्सेप्ट करेंगे, कितने इनको अपने थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे टेस्ट के लिए। तो चलो, और ये है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को मैं बता दूं, बच्चों को थोड़े से कॉन्स्टिप, क्योंकि ये क्या, हाँ, इसकी एक प्लस पॉइंट है कि बच्चों को इसमें मतलब क्या होता है, पॉटी रेगुलर होते हैं, ठीक है। और बच्चे को आप मतलब 4 आवर के बाद मतलब इसमें जल्दी भूख नहीं लगता है, पर हाँ बच्चे लेंगे तब ना, वो पॉटी से क्या लेने लेंगे, बच्चे लेते ही नहीं है, मतलब मेरा बेबी नहीं लिया, मैं दूसरे बेबी का मैं नहीं जानती, हो सके दूसरे बच्चों को इनका टेस्ट एक्सेप्ट कर ले। तो मैं इसका डिमेरिट बता रही हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ ये इसमें रेगुलर पॉटी होता है, इससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं, इसका प्लस पॉइंट है। और इसका प्लस पॉइंट है कि मतलब आप समझ सकते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसका नेगेटिव पॉइंट है तो दोस्तों कि बच्चे को थोड़ा पॉटी कौन थोड़ा सा, तो आप उसमें फ्रूट्स खिला दो, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यू होते हैं, अनार खिला दो, एप्पल खिला दो, एप्पल का सूप पिला दो, और पपाया जो भी पपीता खिला दो बच्चों को, जिससे कॉन्स्टिपेशन कम हो जाए। तो मेरा बेबी को ये दूध मिले, बच्चे एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना, अगर पॉटी से क्या, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं हो तो पॉटी क्या करेगा। तो ये मेरा बेबी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, और पर हाँ ये भी एक्सेप्ट किया 1 ईयर के कंप्लीट होने के बाद ही। मैं 8 मंथ के बाद ट्राई करना शुरू की थी फार्मूला मिल्क, पर करते करते वो 1 ईयर के बाद मतलब इन्जॉय करके इस मिल्क को ट्राई किया। तो दोस्तों ये बेस्ट है, इसमें भी 720 ml लिया हुआ है, 4 टाइम्स आपको देना है। और 720 ml ऐसा नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है कि 4 टाइम 210 ml, 210 ml जो होता है एक बार में देना, पर ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 60, 30, 50, मतलब स्टार्टिंग एकदम बहुत स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कीजिए, 60 से 30 से बच्चा पीने लगेगा ना, तो खुद वो फिर 210 लेने लगेगा। तो 210 ml के लिए आप वेट करना, वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेने की, वो कम पी रहा है, जरूरी कि शुरू में 150 पूरे दिन में पिया, तो कोई रिलैक्स है ना दोस्तों। और आप चलो मैं इसका बता दूँ, ये मैंने बताया, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये मार्केट में बेस्ट है, मैं बस इसलिए कर रही, ये दोनों बेस्ट है, पर इसका मैंने बता दिया दोनों को। चल दोस्तों, बाय बाय, और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स सेक्शन में आप कुछ अच्छे से रिप्लाई कर देना, प्लीज़ दोस्तों ख़राब कमेंट्स मत करना, क्योंकि अगर न्यू बिगनर यूट्यूबर होते हैं तो उन्हें अच्छे कमेंट्स वेट करते हैं, वो ख़राब कमेंट्स नहीं वेट करते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू।